हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डोंट डॉक्टर वंस अगेन। तो आज के इस एपिसोड में एक बहुत ही खास लीक आने वाली आई है, जो कि अपडेट है, शायद एक दो लोगों को आपको पता होगा। एक नया बहुत ही अलग तरह का ड्रोन DJI लॉन्च करने वाला है FPV सीरीज में, उससे अगला वर्जन, लेकिन थोड़ा चीपर, लेकिन ऑल टुगेदर डिफरेंट ड्रोन। मैं बात कर रहा हूँ DJI अवता। जी हाँ फ्रेंड्स, DJI अवता की लीक्स आ चुकी हैं। ये एक सिनेवूफ ड्रोन, जो FPV ड्रोन काफ़ी पॉपुलर हुआ था, जो कि खुद बनाते हैं लोग, किट्स मिलती हैं, एंड खास बात इसकी होती है काफ़ी छोटा होता है, और इसका USP ये है कि इंडोर शॉट्स में, इंडोर सिनेमेटिक शॉट्स में इसकी बहुत ही ज़्यादा कमाल की फुटेज आती है। छोटी से छोटी जगह में ये, जहाँ पॉसिबल नहीं कर सकते शॉट को, ये आपको करके देता है। वो भी FPV में, तो ये चीज़ इसमें होने वाली है। तो पूरी डिटेल आप पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखें, एंड इस चैनल पर लेके आता हूँ ड्रोन सेट सर्विसेशन टेक एंड सम टाइम हेल्थ टिप्स टू। तो इनमें से किसी में भी आपका इंटरेस्ट है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आगे वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि ये चीप ड्रोन नहीं होगा। कम से कम $1,000-1,200 मिनिमम आप USD में मान के चलें इसका प्राइस जो होगा। मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ, ये मतलब सस्ता वर्जन नहीं है। ये खास ड्रोन बनाया गया खास पर्पज़ के लिए, इंडोर सिनेमेटिक FPV ड्रोन शॉट्स, ये इसका मेन टारगेट है। मतलब वो ऑडियंस, मेनली सिनेमेटोग्राफर्स, जो कि बहुत क्रिएटिव करना चाहते हैं आउटडोर में ही नहीं बल्कि इनडोर के अंदर भी। अब इनडोर में काफ़ी ड्रोन्स में जो DJI की जितनी लाइनअप है, Mini 3 Pro भी आप कर सकते हो, लेकिन जो FPV की जो फुटेज आती है ना फ्रेंड्स, वो अभी इंडोर के लिए पॉसिबल नहीं थी किसी भी ड्रोन में। तो वो जो लूप होल था और गैप था DJI के ड्रोन्स के लाइनअप के अंदर, वो फिल करने के लिए DJI अवता का अवतार आने वाला है। जुलाई में एक्सपेक्टेड है इसका रिलीज़। जो लीक्स आ रही हैं काफ़ी कन्फर्म सोर्सेज आ रही हैं, क्योंकि जो सोर्स मुझे एग्जैक्टली नाम उनको, मोस्टली यहीं से हमेशा फोटोज और वगैरह लीक जान के DJI करता है ताकि हाइप क्रिएट हो। तो हमारे से यूट्यूबर्स हैं उनका थोड़ा भला हो हमारे पास, क्योंकि हम न्यूज़ में पीछे लगे रहते हैं और अच्छे से अच्छे, मतलब ये बिल्कुल तरोताज़ा न्यूज़ है DJI अवता को लेके। और इसमें जो डिज़ाइन है वो कैसा होगा, उसके अंदर ही प्रोपेलर्स फिक्स होंगे और प्रोपेलर के साथ गार्ड होगा। वो गार्ड इसलिए लगाया जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये इंडोर उड़ाना है आपने ड्रोन, और इंडोर में भी इसके साथ स्पेशल गॉगल्स आएंगे। और इन सब के साथ जो मैनुअल FPV होता है, उससे डिफरेंस ये होगा कि इसमें आपको ऑटोमेटिक सिनेमेटिक शॉट्स, जैसे दूसरे DJI ड्रोन की खासियत है, जिसमें आपको मेंटल एबिलिटी में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, गड़े गड़ाए और जो बिल्कुल प्री प्लान्ड शॉट्स जो बहुत पॉपुलर मूवीज़ में होते हैं या उसमें होते हैं, वो आपको पहले से इसमें मिलेंगे ऑटोमेटिकली। बट इसका पूरा मजा लेने के लिए गॉगल साथ में आएंगे, मतलब FPV ड्रोन एक तरह से। तो FPV इनडोर सिनेमेटिक ड्रोन फ्रॉम द DJI, ये आप फुल एक लाइन में अगर आप बताना चाहें इसका, तो ये है सार। और वेट का जहाँ तक है, मेरे हिसाब से इसका वेट कम होना चाहिए, लेकिन जो लीक्स में आ रहा है वेट इसका 500 ग्राम के आसपास आ रहा है। तो इतना हैवी क्यों कर दिया, मे बी ड्यू टू स्टेबिलिटी रीजंस, और मे बी वो जब ड्रोन, और मे बी बैटरीज में हो सकता है काफ़ी हैवी डाली हो, तो उसकी वजह से इसका है। बट ये इनडोर के लिए ही स्पेसिफिकली, इनडोर सिनेमेटिक शॉट्स ये उनका टारगेट लाइन है इसके अंदर। जब इंडोर आपको कुछ क्रिएटिव करना है मूवीज़ में या सच फैमिली फंक्शन में भी काफ़ी कुछ हो सकता है इंडोर FPV में। अगर आप कोई वीडियोस देखेंगे तो आपको पता लगेगा इंडोर FPV में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो वो सब कुछ ये आई थिंक प्लान कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ एक
आप उसमें देखिएगा, आपको पता लगेगा किस तरह का ड्रोन है। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और यही अपडेट थी डीजे अवतार का, सभी अवतार लेने का इंतज़ार कर रहे हैं। आप भी बताएं आपके पास कोई अपडेट है इसको लेके, DJI अवतार को लेके, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। और बाकी जो मैंने आपको बताया उससे आपका क्या आउटपुट है, आप क्या सोचते हैं, आप इस ड्रोन को लेना चाहेंगे या नहीं। आई नो इट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस है इस ड्रोन के लिए, क्योंकि बहुत स्पेसिफिकली बनाया जा रहा है, तो बट स्टिल जो ड्रोन लवर हैं उनको क्रिएटिविटी एंड ऑल दैट सिनेमेटोग्राफर्स को ही पसंद रहती है। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लेंगे आपका क्या विचार है विद रिगार्ड टू दिस ड्रोन। और जुलाई में होगा, और बाकी लेटेस्ट में जो DJI की नई सीरीज ऑफ गिम्बल्स आ चुकी हैं RS3 एंड RS3 प्रो, तो सिनेमा को आसान बनाने में, कन्वीनियंट बनाने में सिनेमेटोग्राफर्स के लिए DJI काफ़ी कुछ करता रहता है। तो उनमें से एक और ये कड़ी है ड्रोन्स को लेके। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू वेरी मच। और ड्रोन टेक डॉक्टर व्लॉग्स को भी प्यार दें अपना, उस पर मैं अपने विचार पब्लिक प्रॉब्लम्स को लेके और फैमिली व्लॉग्स वो डालता हूँ। पहले मैं इसी चैनल पर डालता था, तो आप जैसे थोड़ा ज्ञान आ गया यूट्यूब का, तो सभी चैनल एक टारगेट ऑडियंस को लेके चलने चाहिए। तो इसमें हम टेक ड्रोन्स को ही लेके चलते हैं, टेक्नोलॉजी जो मैं यूज़ करता हूँ एंड ड्रोन्स। व्लॉग्स मेरा दिल था तो मैंने वो अलग एक बना दिया चैनल। क्रिप्टो में आई एम इनटू क्रिप्टो, उसका अलग से चैनल मेरा चल रहा है। तो क्रिप्टो किंग चंडीगढ़, ड्रोन टेक डॉक्टर व्लॉग्स, और अगर आप स्पोर्ट्स साइंस में जो मेरी फील्ड है, जो मैंने पढ़ाई की है, जिसके लिए मैं डॉक्टर लगाता हूँ, बायोमैकेनिक्स, उसका अलग से बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स चैनल। तो मैं हर तरफ से जो भी मेरे नॉलेज, आई एम शेयरिंग इट थ्रू वीडियोज बिकॉज आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बाकी वीडियोज़ को भी आप थोड़ा सा देखें।